नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान शिक्षण के जो अध्यापक होते हैं, या आप यूं बोलिए कि जो शिक्षण के जो अपने विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं, वो अध्यापक इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं और उन अध्यापकों में किस तरह के और अच्छे गुणों का अंदर समावेश होना चाहिए, ताकि वो अपने शिक्षण के माध्यम से अपने विद्यालय में जो भी बालक उनको पढ़ा रहा है, उन बालकों में एक ऐसे गुणों का विद्यमान कर सके, निर्माण कर सके, जिससे वह देश के लिए एक अच्छे नागरिक और अपने और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में सामने आ सके। विद्यालय के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें होती है, सहायक सामग्री होती है और पढ़ाने के लिए बहुत बहुत से जो शिक्षण विद्या वगैरह सब कुछ विद्यालय में उपलब्ध होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम विद्यालय के अंदर शिक्षक की जो भूमिका है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। शिक्षक पूरे विद्यालय में जो बालकों को अध्यापन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण एक धुरी के समान है और बालकों के अंदर ज्ञान का अर्जन वास्तविक और व्यवहारिक रूप से पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को अपनी भाषा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए शिक्षक विद्यालय में एक महत्वपूर्ण धुरी के समान माना गया है, जो कि शिक्षण का पूरा संचालन करता है। कोठारी कमीशन ने अपने आयोग में कहा था कि भारत का भविष्य वर्तमान में जो विद्यालय के अंदर निर्मित हो रहा है, जो विद्यालय बच्चे आज पढ़ रहे वही भारत का भविष्य है। इसलिए हम इस बात से को इग्नोर नहीं कर सकते कि आज के जो बच्चे आने वाले समय के भविष्य है और उनको हमको उस बेहतर भविष्य के अनुसार तैयार करना होगा। आइए हम अब इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। राजनीति विज्ञान अध्यापक के अंतर्गत हमने जाना कि राजनीति विज्ञान अध्यापक हो या अध्यापक हो, वो विद्यालय में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अब हम आगे जानते हैं शिक्षक के गुण। जो अध्यापक विद्यालय में इतना इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, तो वो शिक्षक के अंदर कौन से ऐसे गुण होने चाहिए ताकि वो अपने आप को एक श्रेष्ठ अध्यापक के रूप में सामने ला सके और अपने शिक्षण को व्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध रूप से और एक व्यवहारिक रूप से बच्चों तक पहुंचा सके। उस अध्यापक के दो गुण है, सामान्य गुण और विशिष्ट गुण। सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य गुण। सामान्य गुण में सबसे पहला है उत्तम स्वास्थ्य, दूसरा है प्रभावी भाषा शैली, तीसरा है चरित्र संबंधी गुण और चौथा है शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता। ये कुछ सामान्य गुण है जो शिक्षक के अंतर्गत होने चाहिए। सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य। एक शिक्षक का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम होना चाहिए। उसका उत्तम स्वास्थ्य तभी होगा जब उसमें उत्तम जो आदतों का निर्माण होगा, वो रोजाना योगा करना प्लस अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना प्लस किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, किस तरह से अपनी आदतों से वो बालकों पर प्रभाव रखता है। एक प्राइमरी कक्षा का शिक्षक बच्चों के सामने अपने स्वास्थ्य का अच्छा नमूना पेश कर सकता है, वो अपनी आदतों से, अपनी अच्छी आदतों से उन बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखा सकता है। इसलिए सामान्य गुण में शिक्षक का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। दूसरा है प्रभावी भाषा शैली। टीचर की जो भाषा शैली प्रभावी और आकर्षक होनी चाहिए ताकि वो अपने अध्यापन से बालकों तक जो भी ज्ञान है वो प्रभावी रूप से पहुंचा सके। एक मधुर भाषी शिक्षक अपने ज्ञान को बालकों तक आसानी से और अच्छे रूप में पहुंचा सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। कई शिक्षकों की भाषा इतनी प्रभावी होती है कि बालक उसके जो बात वो कहता है, जो ज्ञान वो प्रदान कर रहा है, उसको आसानी से और समझदारी रूप से उसको सुनने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभावी भाषा बहुत अच्छा माध्यम है। अगला है चरित्र संबंधी गुण। शिक्षक का जो चरित्र है वो चरित्र अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, दूसरों को आदर सम्मान करने वाला होना चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बिहेव किया जाता है, छोटे से कैसे बिहेव कर सकता है, बच्चों से कैसे बिहेव कर सकता है, अपने इन्हीं चरित्र गुणों से वो बालकों में भी अच्छे गुणों का निर्माण कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं शिक्षक का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगला है शैक्षिक व प्रशिक्षण संबंधी योग्यता। शिक्षक प्राइमरी लेवल से लेकर अपर प्राइमरी, उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक होते हैं। ज्यादातर जो प्राइमरी लेवल के शिक्षक होते हैं उनको 12वीं के बाद एसटीसी करके शिक्षक बनाया जाता है। तो उनके अंतर्गत जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से शिक्षण करवाया जाता है, उनको किस तरह से एक भावी भविष्य के लिए नियमित किया जाता है, इस तरह की प्रशिक्षण अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दी जाती है। वही ग्रेजुएशन के बाद बीएडधारी भी शिक्षक बनते हैं और वह जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के अंतर्गत अपने शिक्षण के द्वारा बालकों में ज्ञान को किस तरह से प्रसार कर सकते हैं, इस तरह के गुणों का विद्यमान किया जाता है। इसलिए शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं के आधार पर शिक्षक के अंतर्गत
अच्छे गुणों का और सामान्य गुणों का निर्माण किया जाना चाहिए। अब हम आगे जानते हैं राजनीति विज्ञान शिक्षक के विशिष्ट गुण। इससे पूर्व हमने सामान्य गुण को जाना, अब हम राजनीति विज्ञान शिक्षक के विशिष्ट गुण जो उसके स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आने चाहिए वो गुण उसके अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विषयवत गुण। एक शिक्षक की अपने विषय से पहचान होती है कि वह किस विषय का शिक्षक है, और जिस विषय का शिक्षक है उसके अंदर उस विषय का गुण होना जरूरी है। आप कक्षा में जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हो उस विषय का संपूर्ण ज्ञान एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, ताकि उस विषय को वो आसानी से और सफल रूप से बच्चों तक पहुंचा जाए। ज्यादातर देखा जाता है शिक्षकों को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता है, और फिर वो अपने इस ज्ञान के अभाव में बच्चों तक जो वास्तविक ज्ञान है वो नहीं पहुंचा पाते। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक में विषयगत गुण होना चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षण की योग्यता। एक शिक्षण में प्रशिक्षण के दौरान जो ज्ञान अर्जन किया, जैसा कि हमने पहले जाना कि शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता के भाई शिक्षक प्राइमरी लेवल के अंदर और मिडिल और हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर जो बच्चा आ रहा है वो एसटीसी करके आ रहा है कि बीएड करके आ रहा है, तो जिस प्रशिक्षण को उसने ज्ञान अर्जन किया है कि एसटीसी का किया है कि बीएड का किया है, उस प्रशिक्षण की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान उसने कौन कौन सी विधियों का ज्ञान अर्जन किया है, शिक्षण को कैसे करवाया जाता है, शिक्षण के दौरान नियमों का कैसे पालन किया जाता है, शिक्षण से पूर्व अपनी तैयारी कैसे की जाती है, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो श्रेष्ठ कैसे बनाया जाता है, इन सब जो बातों का ज्ञान एक शिक्षक को अपने शिक्षण के अंतर्गत होना चाहिए। तीसरा है व्यवसाय में निष्ठा। शिक्षक को अपना जो व्यवसाय उसके अंदर पूर्ण रूप से निष्ठा होनी चाहिए। जिस कार्य को वो कर रहा है उस कार्य को ईमानदारी से करे, उसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए और 5 या 6 घंटे सिर्फ अपने कार्य करने के लिए शिक्षण नहीं करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से अपना शिक्षण करना चाहिए। भारत जैसे देश में शिक्षक को एक भगवान का दर्जा दिया गया है और उसको एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में माना गया है कि वह एक ज्ञान को प्रदान करने वाला एक महान व्यक्ति है। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा व्यवसाय में निष्ठा होना चाहिए। अपने व्यवसाय के अंतर्गत उसे पैसे कमाने से हटकर अपने शिक्षण को बेहतरीन ढंग से करना चाहिए। कई शिक्षकों को देखा जाता है वो विद्यालय में शिक्षण सही से नहीं करवाते हैं, लेकिन घर पर ट्यूशन के माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा शिक्षण नहीं करना चाहिए। विद्यालय में पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने व्यवसाय के साथ बेईमानी नहीं करके एक अच्छा शिक्षण करवाना चाहिए। अगला है शिक्षण का ज्ञान। विशिष्ट गुण में जिस तरह शिक्षक को विषय का ज्ञान होता है उसे शिक्षण का भी सही और पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षण को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाता है, बच्चों की मनोदशा को कैसे परखा जाता है, अपने ज्ञान को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस तरह शिक्षण का संपूर्ण ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। व्यावसायिक गुण। व्यावसायिक गुण, शिक्षक को हमेशा व्यावसायिक गुण अच्छे होने चाहिए। कई बार देखा जाता है कि आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है, बीएड कर ली और बीएड करने के बाद उसको किसी और फील्ड में जाना होता है, लेकिन वो सोचता है कि बस जो नौकरी मिलती है वो हमें जीवन के लिए सही है, और जैसे तो वो टीचिंग पेशे में आ जाता है, शिक्षण के पेशे में आ जाता है और वो पूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य नहीं करता है। तो इस भाव को अंदर से निकालकर जिस कार्य के अंदर आप आए हैं उसको पूर्ण और ईमानदारी से उस कार्य को करना चाहिए। इस तरह से उसको अपने अंदर व्यवसायिक गुण लाना चाहिए। जो पैसा उसको अब मिल चुका है उसके प्रति ईमानदारी निभाना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अगला है व्यावसायिक अभिवृत्ति के साधन। शिक्षक के अंदर जो व्यावसायिक अभिवृत्ति के साधन है, यानी कि उसको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते रहना है। एक शिक्षक को हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना है। शिक्षक हमेशा ज्ञान को अपने इस अंदर स्थिर नहीं रह सकता, उसको समय के अनुसार उसमें बदलाव और नवीनता लानी बहुत ही जरूरी है। इसलिए उसको अपने व्यावसायिक अभिवृत्ति के लिए जो भी साधन है कि आजकल जो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का सहारा लेना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, साहित्यिक जो समाचार पत्र है वो पढ़ना, इस तरह से जो भी वो साधन जिससे अपने शिक्षण को वो प्रभावी बना सकता है, इस तरह के साधनों का उसको प्रयोग करना चाहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। समाज उपयोगी गुण, शिक्षक के अंदर समाज के अनुसार जो गुण होने चाहिए ताकि उसके अंदर जो गुण होंगे वो बच्चों को प्रदान करेगा और बच्चों को समाज और देश के अनुसार तैयार कर सकता है। तो यह है राजनीति विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट गुण। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि राजनीति विज्ञान शिक्षक, या हम कह सकते हैं कि शिक्षक का विद्यालय में क्या महत्व है, और शिक्षक के अंदर जो गुण है वो किस तरह से होने चाहिए, और एक शिक्षक अपने आप को बेहतर शिक्षक
किस तरह से बना सकता है। थैंक यू। आपका गृह कार्य है राजनीति विज्ञान शिक्षक के गुणों को बताइए।